अब चल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम कैसे लॉन्च करेंगे अपने कंप्यूटर में, तो उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चेक कर लेंगे क्या वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है या नहीं। तो इसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में, यहां से हम सेटिंग्स में आने के बाद जाएंगे एप्स में, एप्स में जाने के बाद आएंगे एप्स एंड फीचर्स के अंदर, और उसके बाद हम आएंगे नीचे की तरफ और यहां पर आप क्लिक करेंगे और चेक करेंगे, लिखेंगे ऑफिस। अगरचे आपके कंप्यूटर में लिखा आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल, इट मींस के आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं आ रहा तो इंस्टॉल नहीं है, फिर आपको खुद से अगर आता है तो इंस्टॉल करें, वरना 200 रुपीज में कहीं से भी हमसे या कहीं से भी आप इंस्टॉल करा सकते हैं, जिसमें ये सारे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट विंडोज में होता नहीं है, हमें इंस्टॉल करवाना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप सर्च में ही सर्च करेंगे, लिखेंगे WORD वर्ड, तो ये आपके सामने आ गया वर्ड 2016। हालांकि ये मेरा 19 वर्जन है, पर ये किसी वजह से 16 दिखा रहा होता है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने लोड हो जाएगा। ये इसका स्टार्टअप विंडो है, जिसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप पहले से कोई बनी हुई फाइल को खोल के देखना चाहते हैं, या फिर आप यहां से एक न्यू फाइल लेकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके न्यू फाइल लेना चाहते हैं। सही है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। थोड़ा सा वर्जन के ऊपर बात कर लें, व्हाट इज द वर्जन। वर्जन क्या होता है, यहां मैं लिख रहा हूं व्हाट इज वर्जन, ठीक है। तो देखिए मैंने टाइप किया और उसको यहां से सिलेक्ट करके मैं यहां से रिबन से फॉन्ट साइज को बढ़ा लेता हूं और इसको सेंटर अलाउंड कर लेता हूं। देखिए वर्जन क्या होता है, न्यू सॉफ्टवेयर रिलीज कम्स इन या डिफाइन इन वर्जन्स, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर का जो नया वर्जन आता है या एक नया सॉफ्टवेयर का कोई नया अपडेट आता है तो उसको हम न्यू वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे गाड़ी में न्यू मॉडल कहते हैं, सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे थे उसी सॉफ्टवेयर का कोई नया अपडेट आ गया, वो जो अपडेट आया है उसको हम कहेंगे ये उस सॉफ्टवेयर का नया क्या है, वर्जन है। क्या है, न्यू वर्जन, ठीक है। याद रखें सॉफ्टवेयर को जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो पुराने सॉफ्टवेयर को और नए सॉफ्टवेयर को वर्जन से ग्रेड किया जाता है। जैसे हम बच्चों में ग्रेडिंग करते हैं, ये क्लास 5 का है, ये क्लास 6 का है, ये क्लास 7 का है, तो स्कूल में बच्चों को क्लासेस में उनको ग्रुप किया जाता है। वर्जन समझ में आ गया। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भी कई वर्जन्स हैं, ठीक है। अगर हम इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम अपने गूगल को तकलीफ देंगे और अपनी उंगलियों को हिलाएंगे, यहां जाके लिखेंगे गूगल हमें बताओ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन लिस्ट, तो हमें गूगल ये लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही हम यहां क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कई वर्जन आ चुके हैं, ठीक है, कई वर्जन आ चुके हैं। पहला वर्जन अक्टूबर 1990 में आया था, दूसरा वर्जन मार्च 1991 में आया था, तीसरा वर्जन जुलाई 891 में, अर्ली 92 में, अगस्त 92 में, जनवरी 1794 में, जून 294 में, और इस तरह नवंबर में जो वर्जन आया उसका नाम था ऑफिस 97, नवंबर 1996 में ऑफिस 97। इससे पहले वाला कौन सा था, उससे पहले वाला कौन सा था, एनटी, पर समझा रहा हूं। उसके बाद आया 97 ऑफिस 2000, आया जून 99 में ऑफिस एक्सपी, आया मई 2001 में ऑफिस 2003, आया अगस्त 2003 में ऑफिस 2007, आया जनवरी 2007 में ऑफिस 2010, आया जून 2010 में ऑफिस 2013, आया जून जनवरी 2013 में, सितंबर 2015 में ऑफिस 2016 रिलीज हो चुका था, और
फिर सितंबर 2018 में आया है ऑफिस 2019, और अभी इसका लेटेस्ट वर्जन है जो 2021 में रिलीज हुआ था ऑफिस 2021। सही है, इतने अपडेट्स इसके आ चुके हैं। मतलब आप लोगों की एज से तो ये बड़ा है, मेरी एज का है, बल्कि मुझसे 5 साल छोटा है। समझ में आ रही बात ये या नहीं समझ में आ रही है? देखो इसे कहते हैं कमाई, वाइट मनी। कब बनाया था इस कंपनी ने और आज तक बैठ के खा रही है। हमारी दो नस्लें गुजर गई इसके अंदर। दिस इज रियल अर्निंग, वाइट मनी दुनिया में इस्तेमाल होता है। दिस इज कॉल्ड रियल बिजनेस सेंस। ना इसने घी बेचा, ना चावल बेचा, ना आटा बेचा, ना चर्स, ना अफीम, ना 2100, ना 2200, ना अल्कोहल बेचा। इसने बेचा सॉफ्टवेयर। कब से बेच रहा है? 90s, मतलब तुम्हारे पैदा होने से भी 12 साल पहले, 15 साल पहले, और आज तक बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। सही है, समझ में आ रही है? माइंड बिजनेस, बिजनेस सेंस भी देखो, खाली सॉफ्टवेयर एजुकेशन नहीं है, सॉफ्टवेयर बिजनेस भी है। ओके, तुम भी बना सकते हो। तो कहने का मकसद ये है, हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो 2019 है या 2016 होगा। तो जो भी वर्जन हमारे पास इंस्टॉल होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसी तरह से आपको वो वर्जन शो कर रहे होते हैं। जैसे मेरे लैपटॉप में आप देख रहे हैं कि क्या शो कर रहा है ये। वर्ड 2016, इसके बाद, इसका मतलब मेरे पास ऑफिस 2016 इंस्टॉल्ड है। तो किसी लैपटॉप में आप देखेंगे 19 होगा, तो उसमें कौन सा इंस्टॉल है? 2019। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गया, वर्जन समझ में आ गया, कब से आ रहा है, कब तक है, कैसे होता है, 16, 19, 17, 13 क्या है ये? ओके, तो अब चलते हैं कि इसका इंटरफेस देख लेते हैं। ठीक है, वर्जन समझ में आ गया।